पब्लिक टीवी आपकी आवाज। मुरादाबाद में गुरुवार से दीपावली मेला लगेगा। मेले में प्रदेश सरकार की लाभकारी योजनाओं और विकास कार्यों का प्रचार प्रसार होगा। इसके लिए निगम समेत विभिन्न विभागों के 40 स्टॉल लगाने को मंजूरी दी गई है। निगम ने मेला संचालन के लिए 8 कमेटियों का भी गठन किया है। मुरादाबाद में लाइन पार्क के रामलीला मैदान में दीपावली मेला लगेगा। 28 अक्टूबर से 4 नवंबर तक लगने वाले मेले में नगर निगम के अलावा स्वास्थ्य, डूडा, बैंकों की ओर से स्टॉल लगाए जाने की योजना है। मेले में स्टॉल का मकसद है कि शासन द्वारा संचालित विकास परक और लाभकारी योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचे। निगम स्ट्रीट वेंडरों को इसमें शामिल कर रहा है, जबकि वेंडरों का पीएम स्वनिधि योजना में लोन वितरित करने वाले विभिन्न बैंकों के भी स्टॉल इसमें लगेंगे। नगर आयुक्त संजय चौहान ने बताया कि 7 दिन चलने वाले दीपावली मेले में 40 स्टॉल लगाए जा रहे हैं। निगम ने संचालन के लिए 8 कमेटियों का गठन किया है। नगर आयुक्त संजय चौहान ने अपर नगर आयुक्त के नेतृत्व में सभी 8 कमेटियों के गठन कर अलग अलग अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी है। इस दौरान मंगलवार को सभी अधिकारियों ने लाइन पार पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। आज़ादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में दीपावली के पूर्व एक दीपावली मेले का आयोजन किया जा रहा है। कंसेप्ट ये है कि कोविड काल में लगभग 2 वर्षों से जो हमारे समाज का निर्बल आय वर्ग था, खासतौर से हमारे स्ट्रीट वेंडर्स, इनके काम धंधे बहुत बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। इनकी आमदनी भी एक तरफ कम हुई, बहुत सारे लोगों के रोजगार भी चौपट होने के कगार पर थे। इस वर्ष ये निर्णय लिया गया है हमारी प्रदेश सरकार के द्वारा कि चूंकि कोविड के जो महामारी थी, लगभग हम लोग नॉर्मलसी की तरफ चल रहे हैं, तो इस वर्ष ये संभावित है कि त्यौहार पूरे जोश के साथ मनाया जाएगा और इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया जाए उन लोगों की आमदनी बढ़ाने के लिए, उनको बेहतर रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए जो समाज के निर्बल आय वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं। आसान शब्दों में यदि मैं कहूँ तो समाज के जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, त्योहारों के अवसर पर खील खिलौने बेचने वाले, दिए बेचने वाले या त्यौहार से संबंधित अन्य सामग्री बेचने वाले लोग हैं, इनको एक ऐसा प्लेटफॉर्म, सुविधाजनक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराया जाए जहाँ पर ये 4-5 दिन अपना व्यवसाय कर सकें और आम शहरी को भी एक ही स्थान पर खरीदारी करने का अवसर प्राप्त हो सके। इसी उपलक्ष्य में हम जनपद मुरादाबाद के नगरी क्षेत्र में जो रामलीला मैदान है, इस मैदान पर एक हफ्ते भर का 7 दिवसीय मेले का आयोजन कर रहे हैं। इस मेले के दौरान लेज़र शो, कठपुतली शो, पपेट शो, मैजिक शो, स्थानीय स्कूल और कॉलेजेस के जो बच्चे हैं उनके डिफरेंट कल्चरल एक्टिविटीज़, और जो स्थानीय कलाकार हैं, छोटे कलाकार जो गली नुक्कड़ पे घूम घूम करके अपना कार्यक्रम करते हैं, इन सभी को एक मंच देंगे जहां वो अपने कार्यक्रमों को प्रस्तुत कर पाएँ। इसके साथ साथ यहां जो हमारी शासकीय योजनाएं हैं, महत्वपूर्ण लाभकारी योजनाएं जो प्रदेश शासन की तरफ से चलाई गई हैं, उनमें लोगों को लाभान्वित करने के लिए सिंगल काउंटर अरेंज करेंगे अलग अलग विभागों की तरफ से, ताकि जिन लोगों को बैंक में जाने में या नगर निगम कार्यालय में जाने में या अन्य किसी सरकारी विभाग में CMO के यहाँ, DPO के यहाँ जाने में कठिनाई महसूस होती थी, ये सारे सरकारी विभाग अपना काउंटर यहीं लगाएंगे ताकि शासन की लाभकारी योजनाओं का लाभ भी सुविधाजनक तरीके से एक ही स्थान पर आम शहरी को दिया जा सके। तो इस कंसेप्ट के साथ ये 7 दिन का आयोजन किया जा रहा है। मेरी अपील है कि सभी लोग इससे लाभान्वित हों और जिस उद्देश्य के साथ मेला आयोजित किया जा रहा है उसको सफल बनाएं। जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनका चयन किस आधार पर किया है? देखिए, इसमें चयन की कोई प्रक्रिया नहीं है, प्रक्रिया को बहुत सरल और आसान बनाया गया है। कुछ जो हमारे चिन्हित वेंडर्स होंगे 10, 12, 15 जिन्होंने अलग अलग योजनाओं में लाभ लिया है, उनको तो हम 1-to-1 जानते हैं तो उनको हम बुलाएंगे, लेकिन कोई भी वेंडर जो शहर में कहीं भी रोजगार कर रहा हो, यदि वो चाहता है तो इस मेले में आकर के अपना स्टॉल लगा सकता है, अपना ठेला लगा सकता है और इन 4-5 दिनों के दौरान अपना व्यवसाय कर सकता है। पब्लिक टीवी आपकी आवाज़।